Hi, myself, I'm Ratan Bhushan. Welcome to ASGIS Current Affairs. Wishing everyone Merry Christmas. Wishing everyone Merry Christmas. My heartiest congratulations to all of you. Merry Christmas. Merry Christmas. This fact I have taken from the Hindu newspaper, Hindustan Hindi newspaper. So the most important fact of today's are सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन को मंजूरी दी. सचिव स्तर पर का होगा यह पद. थल सेना, जल सेना और वायुसेना का अब एक प्रमुख होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि CDS पद पर 4-star जनरल को नियुक्त किया जाएगा. यह पद सचिव स्तर का होगा तथा CDS सैन्य मामलों के विभाग का नेतृत्व करेगा. इस तरह का कोई विभाग अभी नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के अधीन ही एक नया विभाग स्थापित होगा जो मूल रूप से CDS का कार्यकाल होगा. देश का पहला CDS कौन होगा बनेगा, इसकी नियुक्ति आने वाले दिनों में सरकार द्वारा किए जाने की संभावना है. करगिल युद्ध की समीक्षा के लिए बैठी समिति ने CDS का प्रस्ताव किया था ताकि तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल बैठाया जा सके, लेकिन तब से यह प्रस्ताव किसी न किसी वजह से लटकता रहा. इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल लाल किले की प्राचीर से CDS के गठन का ऐलान किया था. अब कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है. CDS का खाका केंद्र सरकार ने करीब करीब तैयार कर दिया है. महीने के अंत तक CDS की नियुक्ति का ऐलान हो सकता है. CDS तीनों सेनाओं के ऊपर तक होगा, लेकिन उसे सेनाओं के संचालनात्मक अधिकार नहीं होंगे. तीनों सेना प्रमुख के अधिकार पूर्व की भांति बने रहेंगे. सूत्रों के अनुसार CDS की नियुक्ति और उसके कार्यों को लेकर रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने गहन विचार विमर्श किया है. दोनों सेनाओं के प्रमुखों की तरफ से सुझाव दिया गया कि CDS का सेनाओं के संचालन संबंधी कार्य में सीधा दखल नहीं हो. वह तीनों सेनाओं एवं सरकार के बीच सेतु का काम करे तो करेगा, लेकिन सेनाओं का कामकाज पहले की भांति चलेगा. CDS का उसमें सीधा दखल नहीं होगा. सूत्रों का कहना है कि इस मुद्दे पर करीब करीब सहमति बन चुकी है. मौजूदा समय में तीनों सेना प्रमुखों की एक कमेटी बनी हुई है जिसे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जाता है. तीनों सेनाओं के प्रमुखों में जो सबसे वरिष्ठ होता है उसे इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है. पहले BS धनोआ इसके चेयरमैन थे, लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने के बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत को इसका चेयरमैन बनाया गया है. माना जा रहा है कि COAC चेयरमैन की भूमिका को और बेहतर तरीके से निर्धारित CDS का नया पद सृजित किया जाएगा. जनरल बिपिन रावत दौड़ में आगे. थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत CDS की दौड़ में सबसे आगे हैं. वे 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. यह अटकलें तेज हैं कि सेवानिवृत्त से पूर्व उन्हें CDS बनाए जाने का ऐलान सरकार कर सकती है. क्यों जरूरत पड़ी मेरे बच्चों, मेरे IAS के एस्पिरेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों जरूरत पड़ी? 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था. उस युद्ध में वायुसेना को कोई भूमिका नहीं दी गई थी, जबकि वह तिब्बत की पठारी पर जमा सैनिकों पर निशाना बना सकती थी और उनके बीच तबाही मचा सकती थी. 1962 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में नौसेना को पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमले की योजना में अवगत नहीं कराया गया. चीफ ऑफ डिफेंस के रहते इस तरह की कोई खामी नहीं रहेगी. कब सामने आया विचार? 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस के सृजन का सुझाव दिया था. CDS मुख्य रूप से रक्षा और रणनीतिक मामलों में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा. इसका क्या फायदा होगा? युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच प्रभावी समन्वय कायम किया जा सकेगा. इससे दुश्मनों का सक्षम तरीके से मुकाबला करने में मदद मिलेगी. दरअसल सशस्त्र बलों की परिचालनगत योजना में कई बार खामियां सामने आई हैं. दायित्व क्या होगा? नंबर एक दायित्व यह होगा कि CDS रक्षा मंत्री के लिए प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाएगा. दूसरा, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अपनी सेनाओं से संबंधित सलाह रक्षा मंत्री को पहले की तरह देते रहेंगे.
तीसरा CDS के पास तीनों सैन्य प्रमुखों समेत कोई मिलिट्री कमांड नहीं होगा, सेनाओं का प्रशासक होगा। चौथा वह डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ और डिफेंस प्लानिंग काउंसिल के सदस्य होंगे। पांचवा अनुमानित बजट के मुताबिक सेनाओं के अंदर प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करना। किन किन देशों में है ये पद? यह पद है इटली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फ्रांस में द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मीज, स्पेन में है द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीन में है द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, जापान में है चीफ ऑफ स्टाफ ज्वाइंट स्टाफ, कनाडा में है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यूनाइटेड किंगडम में है द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज आबादी का सर्वे। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक ऐसी कवायद है जिसे अगले साल शुरू होना ही था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस कवायद के लिए मंगलवार को हरी झंडी दिखा दी। 8,500 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली यह कवायद अगले साल अप्रैल से, या यूं कहे अगले वित्त वर्ष के साथ शुरू हो जाएगी। पिछली बार यह कवायद 2010 में हुई थी, जिसके बाद 2015 में इसे अपडेट किया गया था। तब माना गया था कि यह अपडेट आधार के लिए किया गया है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और कुछ नहीं, लोगों के रिहाइश को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने का अभियान होता है। इसके लिए सरकारी प्रतिनिधि हर घर में जाकर वहाँ रहने वालों का ब्यौरा दर्ज करते हैं। इसमें उन लोगों का ब्यौरा भी दर्ज होता है जिनका कोई घर नहीं है या फिलहाल वे अपने अस्थायी घर पर नहीं है। अगले साल हम आबादी का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करेंगे। इसके अगले ही साल देश में राष्ट्रव्यापी जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह फैसला एक तरह का रूटीन फैसला है और पहली नज़र में यह किसी से विवादास्पद नहीं दिखता, लेकिन इस समय देश में जिस तरह का विमर्श जारी है और जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, उनमें यह फैसला भी एक नया विवाद खड़ा करेगा। बल्कि एक तरह से विवाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले से पहले ही खड़ा हो चुका है। नागरिकता कानून में संशोधन के बाद देश भर में यह चर्चा चल पड़ी थी कि सरकार जल्दी असम की तरह अखिल भारतीय नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार करना शुरू करेगी। इसे लेकर देश भर इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि रविवार को खुद प्रधानमंत्री को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश को यह बताना पड़ा कि ऐसा कोई काम केंद्र सरकार शुरू नहीं करने जा रही है और न ही ऐसा कोई फैसला किया गया है। नागरिकता रजिस्टर की चर्चा के बाद ही ये बात भी कही गई थी कि इसके पहले चरण में सरकार आबादी का रजिस्टर तैयार करेगी, जबकि वह एक पुरानी कवायद है और उसका नागरिकता कानून या रजिस्ट्रार से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सारे तर्कों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपने प्रदेश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की कवायद नहीं होने देगी। तुरंत ही विपक्षी दलों के शासन वाले प्रदेशों ने एक के बाद एक खुद को एक कवायद से बाहर रखने की घोषणा कर दी। इसके चलते एक सामान्य सा सरकारी काम बेवजह बड़े विवाद में फंस गया है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं करती तो केंद्र सरकार के सामने क्या विकल्प होगा। हालांकि कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो राजनीतिक विवाद से अलग भी उठाए जा सकते हैं। अब हम जल्द ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी शुरू कर देंगे। उसके बाद जनगणना का वक्त आएगा। मतदाता सूचियाँ भी हर कुछ समय पर तैयार होती ही रहती हैं। And the last most important fact is, this is from Hindu newspaper, explainer, return to the homeland. India has been following the principle of voluntary repatriation in the case of the Sri Lankan refugees. Critics of the Citizenship Amendment Act 2019 ask why Tamil refugees from Sri Lanka will not have given citizenship under the new law. The government's response to this has not been convincing. Both critics and government seem to be have glossed over the long history of the voluntary repatriation. So thank you very much to watch my program. Wish you all the best. Once again, Merry Christmas. Wishing you everyone Merry Christmas. Thank you so much. Wish you all the best and good luck.